भगवती सूत्र में बताया गया है प्रश्नोत्तर के रूप में। अथि ऋणम भन्ते सदा समितम सुहु में सिनेह काये पवड़ई हंता अथि। प्रश्न किया गया कि भन्ते सूक्ष्म स्नेह काय सदा संगठित रूप में गिरता है। उत्तर दिया गया कि हाँ है, गिरता है। जैन वाङ्मय में और जैन आचार व्यवस्था में भी एक जल की बात आती है कि ऊपर से पानी सूक्ष्म रूप में गिरता रहता है। उसको आगम की भाषा में सुहु में स्नेह काय, सूक्ष्म स्नेह काय कहा गया है। वो जल के रूप में होता है, जल का ही एक रूप होता है। तो गिरता है, तो प्रश्न किया गया क्या वह ऊंचे लोक में गिरता है, नीचे लोक में गिरता है, तिरछे लोक में गिरता है। गौतम, वह ऊंचे लोक में भी गिरता है, नीचे लोक में भी गिरता है, तिरछे लोक में भी गिरता है। तो वह ऊर्ध्व अधः और तिर्यक तीनों लोकों में गिरता है। तो फिर प्रश्न किया कि जैसे यह बादर स्थूल जल जैसे बरसता है, गिरता है, तो वो वैसे इकट्ठा होकर के लंबे समय तक रह जाता है, वैसे ही यह सूक्ष्म में जो जल गिरता है वो भी इकट्ठा होकर के कहीं रहता है क्या? तब उत्तर दिया, यानी बहुत लंबे समय तक इकट्ठा होकर के वो रह सकता है क्या? का गौतम, यह अर्थ संगत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो सूक्ष्म स्नेह काय गिरता है, जल गिरता है, वह शीघ्र ही विध्वंस को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो टिकता नहीं है विशेष, शीघ्र ही विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। यह स्नेह काय, वह भी सूक्ष्म स्नेह काय भगवती सूत्र में बताया गया है। जैसे अपकाय हमारे छह जीव निकायों में, पृथ्वी काय, अपकाय, तो अपकाय जो दूसरा वो जल काय ही है। तो अपकाय में अनेक रूपों में जल होता है, अपकाय होता है, अवश्याय, ओस, हिम, कुहासा, ओला आदि आदि। तो यह जो स्नेह काय है इसके साथ में सूक्ष्म शब्द और है। इससे ज्ञात होता है कि यह ओस से भी कोई और सूक्ष्म जल होता है और वह निरंतर गिरता है। आपने कभी देखा होगा रात में साधु बाहर जाते हैं तो माथा ढक करके जाते हैं, वो स्नेह काय के कारण से। वो जल गिरता है तो माथा ढक करके रखो। तो यह गिरता रहता है, इसको तुलना के रूप में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के रूप में इसकी तुलना की गई है। और एक तमसकाय नाम की चीज भी हमारे आगम में जो तमुकाय आती है, अंदाज अनुमान लगाया गया है कि यह जो सूक्ष्म में जल स्नेह काय गिरता है यह वो तमसकाय से गिरता है और पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है। अब यह जो जल है उसके प्रति भी अहिंसा की बात है। हम जैसे हम साधु लोग हैं, रात्रि में ऐसे यात्रा आमतौर से नहीं करते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, व्याख्यान भी देने के लिए जाना है तो अंदाज 100 मीटर लगभग, प्राय उससे ज़्यादा दूर उसके लिए भी नहीं जाना, या कोई शारीरिक काम से भले आसपास जाना,
बाकी विहार करना चलना वो प्रतिलेखन आ जाने तक सुबह वो यात्रा विहार हमारी परंपरा में करना विहित नहीं है। अन्य जैन मुनि चलते भी हैं, हमारी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा में वो सुबह का प्रतिलेखन आने का समय होने से पहले खुले में या विहार के रूप में नहीं जाना। तो ये सूक्ष्म स्नेह काय से भी बचना, उसकी भी हिंसा कहीं हमारे शरीर के योग से न हो जाए। तो यह एक जल का एक प्रकार है सूक्ष्म स्नेह काय, जो हमारी चर्या से जुड़ा हुआ है। श्रावक लोग सामायिक करते हैं, कोई गर्मी बहुत है खुले आकाश में सामायिक कर लो, वो सम्मत नहीं है। श्रावक साधु को भी खुले में नहीं बैठना होता है, यूँ श्रावक भी सामायिक में है, पौषद में है कि गर्मी बहुत है खुले में सो जाएंगे, पौषद में यूँ खुले में नहीं सो सकते, सामायिक में खुले में नहीं रह सकते। अंदर आच्छादित स्थान हो उसी में सामायिक की साधना सम्मत है, क्योंकि बाहर वो सूक्ष्म स्नेह काय की बात होती है। इसलिए ये अपकाय से भी उसकी हिंसा से बचने का भी प्रयास हमारी चर्या में एक परंपरा व्यवस्था के रूप में, एक विधि के रूप में स्थापित है। यह अपकाय है, अपकाय और भी अनेक रूपों में, पानी वर्षा में बरसता है वो भी अपकाय है, कुएं से पानी वो भी अपकाय है। तो अपकाय विभिन्न ओले पड़ते हैं कभी वर्षा में, वो भी अपकाय का अंग है। तो जल एक ऐसा तत्व है जिसको जैन वांग्मय में सचित्त माना गया है कि पानी भी सचित्त है। एक तो पानी में जीव त्रस जीव सूक्ष्म पड़े हों वो जीव अलग है, पानी में जीवों का होना अलग है। कई बार हमारे चारित्र आत्माएं पानी लाते हैं घड़े से मटकी से, तो छोटे छोटे जीव भी उसमें दिखाई दे सकते, वो जीव त्रस जीव हैं। पानी जीव है वो स्थावर काय के जीव हैं, पानी में जो जीवत्व है वो दिखाई नहीं देता, वो तो स्थावर काय का ही जीव है। तो वो तो पानी खुद ही, वो पानी ही उसका शरीर है, उसी रूप में वो जीव है। जैसे हमारा यह शरीर है तो पानी जो दिखाई दे वो उसका पानी का शरीर है, जीवों का वो शरीर होता है। तो पानी में एक बूंद में असंख्य जीव बताए, एक बूंद में असंख्य जीव बताए गए हैं, माने गए हैं। आउ चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पुडो सत्ता अन्नथ सत्य प्रेण एणम। तो पानी भी सजीव है, इसलिए साधुआचार में साधु है वो यों वर्षा का पानी काम में नहीं ले सकता, नहीं पी सकता, नहीं काम में ले सकता। कुएं का सीधा निकाला हुआ पानी वो भी हमें नहीं लेना होता है। तो अचित्त पानी क्योंकि सचित्त है, या सचित्त के रूप में जो माना जा रहा है, वह पानी साधु को ग्रहण करना नहीं होता है। अचित्त पानी साधु ले सकता है। आप लोग भी उपवास करते हैं तो उपवास में भी सचित्त पानी नहीं, तो यह पानी सचित्त भी होता है, हो सकता है, और अचित्त भी होता है। तो साधु के लिए अचित्त पानी ग्राह्य होता है, इसलिए कई बार इस अचित्त पानी की प्राप्ति में कठिनाई भी हो सकती है, बहुत कम मिले। कुछ प्राचीन काल में तो कई बार पानी को लेकर कठिनाई हो जाती कि पानी नहीं मिल रहा है, इधर प्यास इधर पानी की खोज, पानी कहाँ मिले कैसे मिले, कहीं थोड़ा फिर मिल जाता काम चलाते। तो आचार्य भिक्षु के समय भी ये पानी वाली थोड़ी, पानी नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या। और कई बार तो पानी की कमी के कारण व्यवस्था करनी की गई कभी या कभी एक बार या अनेक बार, इतने से ज़्यादा पानी नहीं पीना, कि पानी की सीमा रखो। एक तो मजबूरी में पानी की सीमा करना पड़े वो एक अपेक्षा, एक बात है। पानी उपलब्ध हो सकता है तो भी
पानी का संयम रखना वो विशेष बात है, स्वावस्था में संयम रख, पानी बहुत मिल सकता है फिर भी पानी का संयम रखना यह विशेष बात होती है, क्योंकि भी पानी असंख्य जीवों के मरने से वो पानी प्राप्त होता है, अचित पानी। तो हमारे साधु साधियाँ हैं, अब पानी मान लो उपलब्धि किसी रूप में मिल जाता है तो भी पानी का संयम रखें, कि वस्त्र प्रक्षालन करना है भी अनावश्यक पानी का व्यय न हो जाए, पानी लाना पड़े, जांचना पड़े, फिर पलटना पड़े, तो पानी भी थोड़े पानी से काम हो सकता है, तो ज़्यादा पानी का व्यय क्यों हो। कि अपना कपड़े धोने ठीक है, अपेक्षित है, तो थोड़े पानी में काम हो सकता है, ज़्यादा पानी न बहाएं। सो तो साध्वियाँ अभी यहाँ चतुर्मास में हैं, 40 ठाणे हम लोग हैं, पुरुष चरित्रार्थ 140 ठाणे हैं, तो पानी अनावश्यक अभी की बात नहीं, वैसे हमेशा की बात ही, अभी तो मैंने संख्या बता दी है कि पानी का कैसे संयम रखा जा सके, कि वस्त्र प्रक्षालन में अनावश्यक पानी का व्यय न हो। और भी कार्यों में कि मान लो पांव धोने हैं तो थोड़े पानी से मेरे पांव साफ हो सकते हैं, तो ज़्यादा पानी क्यों लगे। आप लोग गृहस्थ हैं कि भी अनावश्यक पानी का व्यय जितना बच न हो तो अच्छा रहे, कि स्नान करने में जितना जरूरी है मान लो उससे ज़्यादा पानी तो न बहे, कपड़े धोने में जितना जरूरी उससे ज़्यादा पानी तो न लगे, टूंटी खुली पड़ी और पानी बहता जा रहा है, तो नल चलता रहे पानी बहता जा रहा है। कई बार तो यह पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है वो बात आती है, तो कहीं पानी की समस्या, वर्षा कम हुई, अकाल पड़ गया तो पानी की समस्या हो सकती है, तो खैर वो तो एक बात है, जीवन की बात है, सरकार आदि के लिए भी ध्यान देने की बात हो सकती है, जनता के लिए भी ध्यान देने की बात। हम संयम की दृष्टि से भी विचार करें कि पानी बहुत है, कोई कमी नहीं है पानी की, फिर भी पानी का संयम हम रखें, वो हमारी संयम की चेतना के लिए अपनी साधना के हिसाब से भी, साथ में अन्य भी लाभ हो सके, मूल हमारा संयम का भाव पुष्ट रहे, इस दृष्टि से हम पानी का अपव्यय करने से बचें। अनावश्यक पानी का व्यय क्यों हो जाए। वो एक सेठ था, तो घर में सेठ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, घर का मुखिया था। सेठ के दो लड़के थे, दोनों को ब्याह दिया, दोनों की शादी कर दी, घर में दो बहुएं आ गई, तो धार्मिक विचारों वाला सेठ था, तत्वज्ञान, अहिंसा आदि आदि को जानने वाला, व्रत नियम रखने वाला श्रावक था वो सेठ, यों घर का मुखिया भी था। तो एक दिन वो सेठानी ने सेठ से कहा कि पर क्या बात है कि छोटी बहू है, आजकल सुस्त रहती है और कमजोर सी भी हो रही है, पता नहीं क्या बात है। तो सेठ बोला भी कि तुम ही बात कर लो छोटी वाली बहू से, कोई तकलीफ हो तो बताए, हम डॉक्टर को दिखा दें, कोई बड़ी सिटी में जांच टेस्टिंग वो सब करा दें, तुम ही पूछ लो क्या बात है, क्या तकलीफ लग रही है। थोड़े प्राचीन काल में ससुर तो बहू से सीधी बात करता नहीं था, थोड़े समय पहले, अब अभी कहीं कहीं होगा, ससुर और बहू का सीधा वार्तालाप नहीं होता था। तो कहा तुम ही बात करो क्या बात है। तो वो सेठानी जो सास थी, उसने छोटी बहू से पूछा, बिंदनी क्या बात है, आजकल सुस्त क्यों रहती हो, ज़्यादा ने कोई विनोद है न हंसी है न उदास बैठी रहती, और क्या बात हुई। कहा नहीं कोई बात नहीं, कई देव तो टालती गई। कहा नहीं तुम संकोच क्यों करती हो, मैं तो तुमको बेटी की तरह मानती हूँ, तो मेरे से क्या संकोच है, वो बात बताओ क्या बात है, दुख है तकलीफ क्या बात है। कहीं दुखने वाली तो कोई बात शरीर में ऐसी कोई बात, तो फिर क्या बात है, मन में कोई बात है, तो बोली नहीं, बताओ क्या बात है। तो कह मन में मेरे कोई बात आई हुई है कि क्या बात है। तब बोली कि
सेठ साहब यानी ससुर जी हैं, वो बाबी जी जो बड़ी बहू है बाबी जी, उसके बाबी जी वो गए जेठानी है, उन पर तो ज़्यादा यूँ स्नेह रखते हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं, और मुझे तो डांट देते हैं, ओलमा दे देते हैं, मेरे प्रति कोई वो यहाँ स्नेह का व्यवहार नहीं करते हैं, तो बाबी जी को ज़्यादा सम्मान देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मेरा तो ध्यान ही नहीं देते हैं सेठ साहब ससुर जी। इस बात को लेकर कभी क्या बात है, कब ऐसा काम पड़ा कि भाभी जी को ज़्यादा सम्मान दिया तुमको नहीं दिया, ऐसा कोई प्रसंग घटा क्या? तो प्रसंग तो पीछे घटा था ना, क्या कि कई दिनों पहले मैं रसोई में आ रही थी, तो रास्ते में कोई गिलास पानी से भरी हुई गिलास पड़ी थी, तो मैं जल्दबाजी में फटफट आ रही थी, तो वो गिलास के वो ठोकर लगी, पानी धुल गया, गिर गया, तो बापू साहब बैठे थे वहाँ आंगन में, मुझे डांटा कि बिनणी ध्यान ही नहीं देती हो, ऐसे चलती हो, देखती नहीं हो, ऐसे इतना पानी गिर गया ना, फालतू पानी गिर गया, मुझे डांट दिया। ठीक है, बड़े हैं, माइत है, डांट दिया, डांट दिया। दो चार दिन बीते, एक दिन भाभी जी दो जेठानी जी हैं, तो वो रसोई में आ रही थी, तो कोई बच्चे ने वो घी की घिलोड़ी रास्ते में छोड़ दी थी, तो भाभी जी आए, वो घिलोड़ी के ठोकर लगी, घी धुल गया, तो बापू साहब वहीं बैठे थे आसपास ही, उन्होंने कहा बिना ने कोई बात को नहीं ध्यान रखना चाहिए, कोई बात को ध्यान रखना चाहिए, इतना सा कह के बात को छोड़ दिया। तो मेरे से मात्र पानी धुला, उतने में मुझे डांट दिया, भाभी जी से घी धुल गया तो भी विशेष कुछ नहीं कहा उनको, इसका मतलब कि भाभी जी पर ज़्यादा स्नेह है, मान सम्मान देते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, डांटते रहते हैं, डांट देते हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में गांठ बंध गई है, वो तनाव हो गया है। ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे ससुर जी से। तो सेठानी गई सेठ जी के पास, यह बात है, उसके मन में यह चीज़ है कि मेरे पर कुछ नहीं ध्यान देते, बड़ी वाली पर ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको मान सम्मान ज़्यादा देते हैं। तब सेठ ने सोचा अब बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो एक दिन वो शाम का समय था, खाना खाना सब ने खा लिया था, तो सेठ आंगन में यूँ बैठा था, सबको का सब आदो बातचीत करते हैं, तो बिननियाँ भी आ गई, उनकी सास भी आ गई, बेटे भी सब बैठ गए। तब सेठ का बड़ा दबदबा था परिवार में, बड़ा मान सम्मान भी था, तो सेठ ने शिक्षा दी कि देखो परिवार का मैं मुखिया हूँ, तो मुखिया को तो कभी कहना भी पड़ सकता है, नहीं कहूँ तो भी अच्छा नहीं है, कहने यह तो ठीक है, आपको तो कहना ही चाहिए, गलती पर तो कहना ही चाहिए, कहा यह तो मेरा दायित्व है ना कि गलती पर तो मुझे अंगुली निर्देश कहाँ वो तो करना ही चाहिए। तो ठीक है, कहने में कभी डांट के रूप में कह देते हैं, कभी सामान्य रूप में कह देता हूँ, पर कहना तो होता है ना मुझे, हानि कहना तो चाहिए। तो देखो कई दिनों पहले वो छोटी वाली बिंदनी आई थी, तो वो ग्लास ठोकर से पानी उसका गिर गया, तो मैंने थोड़ा डांटा उलंगना दिया कि बिननी ऐसे कैसे चलती हो, देखते नहीं हो पानी इतना गिर गया। ठीक है, तो मैंने क्यों कहा कि भाई अपकाय में एक बूंद में असंख्य जीव बताए गए हैं, तो इतने पानी का जीव कितने मरे होंगे, ध्यान देती तो इतने जीव क्यों मरते, अहिंसा रह जाती, तो थोड़ा ध्यान से चलो तो ये पानी भी बेकार नहीं जाता, इतने जीवों की हिंसा भी नहीं होती ना, इसलिए मैंने डांटा। बाद में दो चार दिन बाद बड़ी बिननी के पैर से वो घी धुल गया, तो मैंने विशेष डांटा नहीं, भी ठीक है ध्यान रखना चाहिए, क्यों नहीं डांटा कि भी घी में कोई जीव तो मरे नहीं है ना, असंख्य जीव तो मरे नहीं है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है पैसे की, फिर भी ध्यान रखना चाहिए, पर पानी में तो जीवों की हिंसा हुई है सामान्य जो मान्यता है, घी में वो बात नहीं, इसलिए मैंने बड़ी को इतना नहीं कहा, छोटी को कहा भी पानी के जीवों की हिंसा की दृष्टि से कहा। अब बिननी के मन में बात साफ हुई रे कि कोई और कोई बात नहीं, वो पानी के जीवों की हिंसा से बचने के लिए मुझे विशेष जीसा ने बापसा ने कहा था, तो ये पानी के में एक बूंद में असंख्य जीव हैं, तो उस दृष्टि से भी हम पानी का संयम रखें तो जीव हिंसा से भी बचाव है, साथ में संयम भी हो जाता है। तो श्रावक श्राविकाएं भी है, तो भाई पानी का हम अपनी संयम की दृष्टि से भी
अनावश्यक व्यय न हो, स्नान करने में, कपड़े धोने में और कामों में, क्योंकि आवश्यक है वो तो मान लो काम में लेना पड़े, अनावश्यक पानी का व्यय न हो। तो यह पानी का संयम हो, यह अहिंसा और संयम दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब जैसे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, इतने यात्री भी हैं मान लो, तो पानी का भी ठीक है, आवश्यक काम तो गृहस्थ को भी करना पड़ता है, साधु को भी करना होता है, तो अनावश्यक तो कहीं पानी न बह जाए, अनावश्यक पानी न गिरा दिया जाए, यो पानी के प्रति संयम हो, वो हमारी जो संयम की धारणा है जैन धर्म में, और जैन धर्म क्या सभी के लिए काम की बात है कि संयम रखो, बात बात में, कार्य कार्य में संयम रखो। तो संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो भगवती सूत्र में यह सूक्ष्म स्नेह काय की बात आई है कि यह आकाश से सूक्ष्म पानी गिरता रहता है, तो उस पानी के जीवों की भी हमारे द्वारा हिंसा व्यर्थ न हो, उसका हम खासकर तो साधु साधियों के लिए भी, कि वो बाहर ऐसे नहीं रहना कि भीतर में रहो, साधु को गर्मी कितनी लगे, ऐसा नहीं कि खुले में जाकर के सो जाओ, साधु साधियों को जो खुले में जाकर रात में जो अच्छाया का समय है, हम हमारी भाषा में अच्छाया पढ़ना, जब वो सूर्यास्त के लगभग 20 मिनट हो जाते हैं उसके बाद वो खुले में साधु को नहीं रहना होता है, यूँ ही सवेरे सूर्योदय से करीब 20 मिनट पहले तक वो अच्छाया में सोने आदि के लिए आमतौर से नहीं जाना होता है। तो ये स्नेह काय के सिद्धांत के कारण से हमारी साधुचर्या में यह रात में बाहर ज़्यादा नहीं रहने का जो क्रम बना हुआ है उसमें सूक्ष्म स्नेह काय की अवधारणा है। तो वो श्रावक श्राविकाओं के लिए भी पौषध सामायिक जैसी स्थिति में ध्यान देने की बात होती है। तो जो अपकाय है, जलकाय है, उसके जीवों की हिंसा से भी श्रावक भी जितना बच सके बचने का प्रयास रखे, यह काम्य है।